ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे निषेध। हम सिगरेट पे देखते हैं ना निषेध, इट इज प्रोहिबिटेड। निषेध शब्द का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है या एक्चुअली निषेध का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे? जब हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि फलना राज्य में शराब का निषेध आगे लागू कर दिए गए, सिगरेट बेचने पे, गुटखा बेचने पे निषेध लागू कर दी गई है, तो एक्चुअली में जो समझदार लोग हैं हमें भी हंसी आती है। जब किसी चीज पे निषेध लागू किया जाता है तो उतनी ही तेजी से उस वस्तु की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है और इससे सबसे ज्यादा फायदा सरकारी तंत्र को होता है। जिन मुल्कों में शराब बंदी है तो वहां क्या शराब नहीं मिलती है? जिन राज्यों में शराब बंदी है तो क्या शराब नहीं मिलती है? बस अंतर यह है कि चोरी छिपे मिलती है और वहां के प्रशासन को कमीशन चला जाता है। जो लोग ये बंद करो वो बंद करो के पीछे लट लेके पड़े हैं उनके पागलगन की भी हद नहीं है। अलबत्ता फर्क सिर्फ इतना होता है कि ब्लैक में खरीद कर पीने वालों की जेब से कुछ ज्यादा रकम जाने लगती है। आखिर आदत तो छूटेगी नहीं। आज क्या गुटखा नहीं मिलता है? मिलता है। आज हमारे मुंबई में गुटखा बैन है पर मिलता है। निषेध से चोरों के लिए रास्ता खुल जाता है। देखिए जो मैं बातें कर रहा हूं ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है, हमारी देखी हुई चीज है। निषेध से चोरों का रास्ता खुल जाता है और चोरी बढ़ जाती है। पीने वाले और अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उनका ईगो हर्ट होता है। शराब चोरी छिपे खेतों में उतारे जाने लगती है। बिना सरकारी टैक्स अदा किए ये गिरोह अपना काम में मशगूल हो जाते हैं। अधिकारियों के घर हिस्सेदारी अपने आप आ जाती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अभी तो चलो अच्छी गवर्नमेंट है, देखते हैं इस गवर्नमेंट का रिजल्ट क्या आता है। निषेध करना मेरी राय में चोरी का बढ़ावा, ये डेमोक्रेसी है, मैं अपनी राय रख सकता हूं। निषेध करना मेरी राय में चोरी को बढ़ावा देना है। आप जिस चीज को प्रतिबंधित करते हैं लोगों की उत्सुकता और बढ़ती है और उनके अहंकार को ठेस लगने की वजह से और ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। पुराने जमाने की बात है, जब नई नवेली दुल्हन शादी होके आती है, एक पर्दा प्रथा हमारे समाज में थी। तब मोहल्ले के लड़के नई दुल्हन को देखने का काफी यत्न किया करते थे कि किसी भी तरह दुल्हन का मुख दिख जाए। इसके लिए जो जो जतन करते थे ये पुराने लोग बखूबी जानते हैं। और आज तो रिसेप्शन में शोपीस बनाकर बिठा देते हैं, मतलब चार्म खत्म। आप समझ ही गए होंगे, यदि नहीं समझे तो ऐसे समझे कि जब किसी फिल्म के पोस्टर पर अडल्ट लिखा होता है तो आप जानते हैं कि कम उम्र के बच्चे उस फिल्म को अवश्य चोरी छुपे देखते हैं, क्योंकि हर एक की तमन्ना में होती है कि आखिर ऐसा क्या है, भला एक बार देखे तो सही। दीवारों पर जहां लगा रहता है कि यहां पेशाब करना मना है, वहां पूछते ही से पेशाब लग जाती है। आपने पढ़ा नहीं कि बस एकदम ध्यान आ गया, अभी तक ख्याल भी नहीं था। तो जिस दीवार पर लिखा हो वहां तुम देख लो, हजार निशान पेशाब के बने रहेंगे। सामान्य आदमी है, अगर दीवार बचानी हो तो भूल कर मत लिखना। अगर बिल्कुल ही बचानी है तो लिखना कि यहां पर करना सख्त अनिवार्य है, फिर आप देखना कि जिसको लगा वो भी संभल कर निकल जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्या मामला, आप लिख दो कि यहां पर पेशाब करना अनिवार्य है, लोग नहीं करेंगे वहां पर। आज गुटखे को सरकार प्रतिबंधित करती है, रास्ता साफ करने वाले तंबाकू अलग और पान मसाला अलग बेचने लगे हैं, बस खाने वाले को उसे मिलाना ही है। अब इससे क्या होगा? खाने वाला क्या मिलाने की जहमत नहीं करेगा? निषेध करने से क्या होगा? निषेध या प्रतिबंधित करना है तो इन निषेध वाली वस्तुओं के उत्पादन पे करो, इनके लाइसेंस को खत्म करो, सख्त सजा और जुर्माना इतना करो कि उनकी सात पीढ़ियां के भी हाथ से तोते उड़ जाए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।